गुड मॉर्निंग देहरादून, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 एफएम देहरादून का अपना रेडियो स्टेशन। मैं संदर्भ आर्या ग्राफिक एंड यूनिवर्सिटी छठी सेमेस्टर का छात्र हूँ, मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। आज हम आपके समक्ष लाने वाले हैं एक बहुत प्यारा सा कार्यक्रम जो है, जिसका नाम है बोल देहरादून बोल, जिसमें हम बात करते हैं उन देहरादून के उन चुनिंदा लोगों से जो अपने देहरादून को एक मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। चूड़ियां पहनने वाले उन हाथों को कमजोर क्यों समझा जाता है, जबकि काली के उस रूप से भगवान भी घबरा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मीरा जी से। मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं देहरादून से? अच्छा, और हमारा वहाँ पे अपना घर है, वहाँ से मैं यहाँ ग्राफिक एरिया आती हूँ और यहाँ पे अपने शॉप चलाती हूँ। और मुझे घर में बैठे बैठे बोरियत आती थी, इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि क्या किया जाए, कुछ टाइम पास करने के लिए कुछ किया जाए। तो मेरे हस्बैंड ने आइडिया दिया और हमें ये दुकान फास्ट फूड की शॉप चलाते चलाते 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ मैम, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली में मेरी सास है, हस्बैंड है, बच्चे हैं। बच्चे हैं मैम, वो आते कभी आपकी शॉप? हाँ, बच्चे आते हैं, अच्छे से खा पी के जाते हैं। मैम, ये कितने 5 साल हो गए आपको चलाते? हाँ मैम, कोई प्रॉब्लम आई कभी? आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी है हाथों? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब अच्छे। मैम, आपको घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं? पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। मैम, आप सुबह कितने बजे स्टॉल ओपन कर देते हैं? 10 बजे ओपन कर देते हैं। आप बंद करके कितने बजे जाते हैं? बंद करते हैं 7:30 बजे। 7:30 बजे मैम, ये अकेले आप स्टॉल? अकेले ही मैं संभाल लेती हूँ। आपने कभी सोचा नहीं किसी को रखना चाहिए? नहीं, सोचा तो बहुत है पर इतना काम है नहीं कि मतलब किसी और को रखे, फिर आप अकेले ही संभाल लेती हूँ। ओके मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे, जैसे कि वो भी अपने कुछ स्टार्ट करना चाहती है, अपने स्टार्टअप करना चाहती है, उनको कुछ बोलना चाहिए? बताना चाहती हूँ कि मतलब आजकल की जिंदगी में ये है कि हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना ही चाहिए, बैठ के तो टाइम पास होने वाला नहीं है। हाँ। और आज की महंगाई के दौर में कुछ ना कुछ करना ही करते ही रहना चाहिए, है ना जी। तो इसलिए मैं सबको यही सलाह दूंगी कि बैठ के कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करो जी। और आगे बढ़ो जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप इंस्पिरेशन बने रहे, यही आपका मुकाम बना रहे, हम यही आशा करते हैं मैम। हम आपको बहुत प्यारा प्यारा अच्छा सैंडविच खाने वाले हैं इस बार। मैम की शॉप का नाम है क्रिस्प सैंडविच, आप यहाँ जरूर आइएगा, आप जरूर खाइएगा, यहाँ का बहुत अच्छा सैंडविच होता है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मैं यहाँ के सैंडविच हमेशा खा के जाता हूँ। और मैम के लिए एक हल्की से छोटी सी मंगतियाँ बोलना चाहूँगा कि तू है चांद तू है खुशबू मगर तुझे इस खूबसूरती का एहसास नहीं, तू है चांद तू है खुशबू मगर तुझे इस खूबसूरती का एहसास नहीं, क्योंकि तू आने वाला वो तारा है जो किसी से कम नहीं, कम नहीं, कम नहीं। आपसे बहुत विदा लेता हूँ, धन्यवाद लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनते रहिएगा रेडियो जिंदगी 90.8 FM देहरादून का रेडियो स्टेशन। धन्यवाद।